press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार महविश नाज को, उनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत का सनातनी बेटा बंटी कुमार। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि ये दोनों हमेशा से ही एक दूसरे की टांग खींचते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। जय हिंद जय भारत। लग तो नहीं रहे, लेंस ज्यादा छोटी नहीं कराई ना। ओके जी, स्टार्ट हो गया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, मैं महविश नाज हूं और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमें ज्वाइन किया है बहुत ही ज्यादा आप लोगों की डिमांड के ऊपर, एक दफा फिर से एज के एज और बंटी ने। जय श्री राम आपके सभी ऑडियंस को। बंटी जी, क्या हाल चाल है आपके और कैसे जा रहा है सब कुछ? सब कुछ बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। हाल चाल है आपके? आप बताइए, आपके क्या हाल चाल है, आपकी ऑडियंस के क्या हाल चाल है? मेरी ऑडियंस भी एकदम ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं एक इवेंट पे जाने के लिए तैयार हुई थी, अभी लोग मुझे कहने लग जाएंगे तितली लग रही हो, दुल्हन बन के बैठी हुई हो, शादी का प्लान है। यार मैं किसी इवेंट पे जा रही थी तो अचानक पॉडकास्ट का प्लान बन गया, इसलिए मैं तैयार होकर बैठी हुई हूँ। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है नरेंद्र मोदी जी को लेके। पीएम मोदी जी ने कश्मीर में विजिट किया है, श्रीनगर में 1000+ प्रोजेक्ट्स जो हैं, 1000+ जॉब्स, इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें उन्होंने वहाँ पे लोगों के लिए इन फ्यूचर डिसाइड की है। अदर देन दैट बहुत इमोशनल स्पीच दी है, जो कि ग्लोबली बहुत ज़्यादा रिवॉल्व कर रही है कि यार मोदी जी ने कश्मीर को नहीं भूला, नहीं छोड़ा अपने आने वाले इलेक्शन की डिबेट्स में या फिर सेशंस कह लो, क्योंकि गुजरात भी वो गए, आपने देखा गुजरात में भी द्वारका पूजा में और डिफरेंट चीजों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और इसी तरह वो अब कश्मीर में भी पहुंचे हैं और आने वाले रमजान में मुसलमानों के लिए बहुत सी फैसिलिटीज दी हैं। जबकि पाकिस्तान में अगर बात की जाए, रमजान सर पे है तो चीजों की कीमत डबल होती जा रही है। इन सब चीजों पर बात करेंगे। पहले आप मुझे ये बताएं, कल मैंने जब आपको कॉल की थी तो आप मुझे कह रहे थे कि आप पूजा करने गए हुए, कहां इतना ज्यादा? खाटू श्याम जी मेले में गए थे, प्रसादी बांटने गए थे लोगों को। ओके ओके ओके, यार इतना ज्यादा प्रसाद चढ़ता है ये आप लोगों के मंदिरों में और ये सारी जगहों पे, तो वहाँ तो गरीब गुरबत होगी। नहीं, मंदिर की तरफ से नहीं था, हमारी तरफ से था, हमारे YouTube फैमिली की तरफ से। हम अपनी तरफ से जितना श्रद्धा होता है उतना, जो भगत होते हैं ना, जो पैदल जाते हैं खाटू श्याम जी के लिए 100, 200, 300 किलोमीटर दूर के लिए मंदिर तक, जो पैदल रास्ता तय करते हैं, हम उन पैदल यात्रियों को अपनी तरफ से जो भी कुछ प्रसाद देना चाहते हैं हम अपनी तरफ से देते हैं उनको, मंदिर की तरफ से नहीं होता ये। ओके 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 ओके, तो वहाँ पे कोई भी जो लोग होते हैं या घूम रहे होते हैं ऐसा कुछ भी, उन लोगों को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं आप लोग? हाँ, हम लोग उन, वो पैदल चल रहे होते, नेचुरल सी बात है, अगर आदमी धूप में पैदल चलेगा तो उसको भूख भी लगेगी, उसको प्यास भी लगेगी, तो उन लोगों की सेवा करते हैं हम लोग, सेवा बोलते हैं इसको, सेवा करना। अब ये पाकिस्तानियों में तो ये भावना ही नहीं है, तो ये तो सनातनियों में भावना पाई जाती है। तुम तो एक दूसरे का छीन के और खा जाओ, बोला बेटा तू क्यों खा रहा है, लाओ मुझे दे दो। वो छीनने वाला किस्सा भी, रमजान शुरू हो रहा है ना, तो आप देखिएगा कुछ जगहों पे तो है सिनेरियो के एक प्लेट बिरयानी के लिए मारा मारी हो जाती है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वहाँ नहीं होता, बड़े आराम से इज्जत से लेते हैं, बल्कि मना और करते वक्त खिलाने वाले बहुत सारे होते हैं। कभी आइएगा कोई आपको खाटू श्याम जी का मेला, अभी आपके ऑडियंस में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो खाटू श्याम जी जाते हैं, आप पूछिए आपको बताएंगे। काफी लोग खासतौर से अभी जो फागुन का महीना चल रहा है ना, इस महीने में जरूर जाते हैं खाटू श्याम जी। पूछे आप अपनी ऑडियंस से कौन कौन जाता है। गाइस, ये जो बंटी जी कह रहे हैं, आप लोगों में से कोई इस मेले में जाता है जरूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। बाकी जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लाइव को एंड तक देखिएगा, बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजों और भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा बंटी जी, एक और बात मुझे बताएं, नरेंद्र मोदी जी ने जो कश्मीर के लिए स्टेप्स लिए, कश्मीर के लिए जो डिसीजन लिए, दूसरे जाने पाकिस्तान के कश्मीर में 1000+ लोगों को अनएम्प्लॉय कर दिया गया, यानी उनकी उनके हाथों से उनकी नौकरियां छीन ली गई, उनको उनके इदारों से जो है ना बेदखल कर दिया गया। दोनों तरफा कश्मीर के ये सिनेरियोस चल रहे हैं, एक तरफ हमें जंग करनी है, एक तरफ हमारे पॉलिटिशियंस ने आते ही कश्मीर के नारे लगाना शुरू कर दिया है, और दूसरी जानिब वही कश्मीरी है जो खुश है कि यार हमारे लिए डिफरेंट स्टेप्स दिए जा रहे हैं, हम आने वाले वक्त में तरक्की कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं आप कश्मीर विजिट करके आए हैं क्या? वैसे ना, आप ये सवाल मुझसे गलत पूछ रही है, ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए था कि हमारे कश्मीर को इतना डेवलप देख के आप पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है, आपको क्या फील होता है। तुम तो उल्टा मुझसे ही पूछ रही हो, तो ये तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं तो अच्छा ही दूंगा और अच्छा दिख ही रहा है।
लेकिन तुम बताओ कि तुम पाकिस्तानी, तुम्हारा जो मुआशरा है वो क्या फील कर रहा है, कितना जेलस फील कर रहा है, वो बताओ तुम दो रिएक्शन मुझे बल्कि इंटरव्यू। क्यों हम बिल्कुल जेलस फील नहीं कर रहे, इनफैक्ट हमें तो खुशी हो रही है कि कश्मीर क्यों नहीं तरक्की कर जेलस रहा फील हो है। रहा तुम्हारे? अब जहां मोदी जी ने 1,000 नौकरियां देने का वादा किया, अब तुम खुद ही बता रही हो पीओके के अंदर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 1,000 लोगों की नौकरियां चली गई है कल के दिन। तो आप बताओ ना तो फिर कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तो ऑलरेडी कहा है कि मुझे ये बुरा लग रहा है, मैं इसको कंडेम कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऑन अदर हैंड साइड जो कश्मीर के लोगों के लिए उन्होंने 75 साल पहले से वहां रहने का डिसीजन लिया था, और उनके लिए आज जो चीजें हो रही हैं उनके लिए मुझे अच्छा लग रहा है, उनके लिए प्राउड फील हो रहा है कि नरेंद्र रहने का मोदी ने फैसला जिस किया था वो तो थे ही हिंदुस्तान में, वो तो थे ही हिंदुस्तानी। जो तुमने, जो जिन्ना साहब ने हमला करके जो पकड़ा था पीओके 1948 में, वो कब्जा किया हुआ है, वो तुम्हारा नहीं है। वो जिसको तुम कर रहे हो कि नहीं तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया था, वो हमारे ही है कश्मीरी। ओके और जो अच्छा तुम्हारे पास में है मुझे बताएं, वो भी लेने मैंने हैं। बड़ी दफा बंटी जी, बड़ी दफा इंडियन जर्नलिस्ट ने मुझे कहा फलां दिसंबर तक हम कश्मीर ले लेंगे, फलां तक हम लाहौर नाम लगवा लेंगे, हम इस्लामाबाद तक आ जाएंगे, गिलगित है ही हमारा, अभी तक कश्मीर लिया क्यों नहीं? ये दावे तो तुम ठोकते हो, हमारे कौन से पत्रकार ने दावे ठोक दिए? और लाइट चली गई, देखो ऐसी, ऐसा तो तुम्हारा मुल्क है और तुम कश्मीर लोग है, मतलब तुम हमसे कश्मीर लोग है, अबे तुम्हारे लाइटें तो है गाइस नहीं। सॉरी हमारी लाइट चली गई। ये देख लो कितने लोग देख रहे हैं अभी तुमको, मुझे 350 लोग देख रहे हैं, और साढ़े तीन सौ हमारे लोगों कम देख शर्मिंदा लो, है। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हिंदुस्तानी है। देख लो भाई ये हरकत है इन लोगों की, इनके पास में लाइटें नहीं है और ये बातें करते हैं कश्मीर लेने की। मैंने लाइट अरेंज कर ली। नहीं, यार अब बस इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो ऐसे ही ऐसे अरेंज होगा बस तुम्हारा कश्मीर भी। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत हद तक हमारे यहाँ इशू रिजॉल्व हो गया था, लेकिन जब से हमारी नई हुकूमत आई है तब से हम दोबारा उन मसलों में घिर गए हैं। जी, बहुत बहुत बधाई है नई नई सरकार के लिए भी और आपके मसलों के लिए भी, नए मसलों के लिए, तभी तो बंडी जी हमारे को आपने कंटेंट कश्मीर मिलता विजिट रहेगा की, मनोरंजन। हाँ मैं कश्मीर गया हूँ, मैं 3 बार गया हूँ। क्या सिनेरियोस वहां पे हैं? कश्मीर के सुनोरियो बहुत अच्छे हैं, सब लोग खुशहाल है, और पहले थोड़ी बहुत थी उधम दाड़ वहां पर, और अब काफी हद तक कंट्रोल में है। और जो थोड़ी छुट मुट होती रहती है खबरें, तो वो तो पाकिस्तानियों को मसाला भी तो चाहिए ना, तो पाकिस्तानी शांत थोड़े ना रहते हैं, जो अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकते हैं करवाते हैं। भारत सरकार, भारतीय जो आर्मी है वो उनको रोकने की कोशिश करती है, और बहुत हद तक कंट्रोल हो गया है। और ये जो शांति है कश्मीर की, तुम पाकिस्तानियों को अंदर से खलबली पैदा कर रही है कि कश्मीर इतना चमन क्यों हो रहा है, क्यों इतना डेवलप हो रहा है। अच्छा मेरा एक सवाल है, वो मैंने एक दिन पॉडकास्ट में नाजिया जी से भी पूछा था कि कुछ साल पहले, आज से बल्कि 20 साल पहले, जब नरेंद्र मोदी जी ने अपना स्टार्टअप किया था, टेन्योर स्टार्ट किया था, तो गुजरात के अंदर उनको वाकई बहुत पॉजिटिव इमेज नहीं था उनका। कहा जाता था कि गुजरात में उन्होंने बहुत कत्लो गारत की जब वो हुकूमत में आए, और बहुत सारी लाशें गिरी, बहुत से सिखों पर जुल्म हुआ। आज वही नरेंद्र मोदी जी गुजरात के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो क्या वो ये सब तुमको फिर किसने रुक बोल जाता दिया मेरे को? मैं तुम्हारे सवाल समझ गया, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमको ये हिस्ट्री कहाँ से पढ़ते हो, कहाँ से नॉलेज गेन करके आते हो? बिल्कुल आधी अधूरी कच्ची, मतलब बे सिर बे पैर की ये इंफॉर्मेशन तुम्हें मिलती कहाँ से, पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारा सोर्स बताओ। है? हमारा सोर्स हमारी किताबें, हमारा सोशल मीडिया, हमारे उनको ना आर्टिकल्स। उनको ना उनको ना सब जगह जमा करो, उनपे मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दो उनपे, और थोड़ा गूगल कर लिया करो, थोड़ा इंटरनेशनल खबरें भी पढ़ लिया करो। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम थे, अगर तुम्हें पता हो तो, 12 या 14 साल रहे, मुझे कंफर्म बता नहीं कि कितने साल रहे हैं, पता बारह है या चौदह मुझे साल मुझे बस आप ये बताएं कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात में हमेशा क्या पॉजिटिव इमेज से ही जाने जाते थे? बिल्कुल। अगर एक बात बताओ, अगर पॉजिटिव इमेज नहीं होगी तो वो बंदा तीसरी बार सीएम बन के आएगा कंटिन्यू, और जो 2 बार लगातार देश का प्रधानमंत्री बन चुका है 10 साल से, तो आप भी देख रहे होंगे नरेंद्र मोदी जी को सीएम थे जब तक, तो चलो आप लोगों तक खबर नहीं पहुंचती थी। और जो दंगा हुआ था, और जो दंगे तो हमेशा कांग्रेस जब देश में रूल करती थी तो दंगे तो हुआ ही करते थे उस जमाने में, तो बहुत हुआ करते थे, अब तो बहुत कंट्रोल हो गए। और अगर कोई दंगा हो जाए तो जो अपोजिशन थी उस वक्त की कांग्रेस गुजरात के अंदर, उन्होंने सारा इल्जाम मोदी जी पे डाल दिया, धीरे धीरे उसको बड़ा करते गए करते गए। नहीं तो हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को बरी कर दिया है, तो ये बोलने का अधिकार तो अब किसी को है नहीं कि मोदी जी ने कत्लोगैरत कराया। और आप पाकिस्तानियों को तो बस प्रोपेगेंडा करना है, कुछ भी करते रहो, लेकिन हम बैठे ना, हम देश के नहीं सच्चे नहीं सिपाही नहीं हैं, हम बंटी तुम्हारे जी, प्रोपेगेंडा की काट करेंगे, तुम पाकिस्तानियों का भांडाफोड़ करेंगे,
जहां भी तुम जहालत दिखाओगे हम तुम्हें जलील करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम मोदी जी के खुद बहुत बड़े फैन हैं, हम खुद उनको इतना ज्यादा जो है ना सराहते हैं, उनकी उनके इनिशिएटिव्स को हम खुद हर वीडियो हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ जो भी वो अच्छा करें उस पे वीडियो करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें कुछ जी जी अगेंस्ट है या नहीं, हम लोग मतलब उनके, गलत फहमी, जैसे अभी आपने जो सोर्स बताया अपना तो वो बिल्कुल गलत है, और मेरे बोलने का मतलब है कि एक तरीके से ये देखो, माइंडसेट एक यहाँ सेकंड, ये तो पे मैं देखो जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मेरे जैसे कम से कम 20-25% लोग, 25 लोग भी जानते होंगे कि भाई मोदी जी की क्या हिस्ट्री रही है, लेकिन बहुत सारे लोग, इनोसेंट लोग हमारे हिंदुस्तान में आज भी ऐसे हैं कि उनको ज्यादा पता नहीं होता, वो कई सुनी बातों में यकीन कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे कुछ भी आ जाता है उस पर यकीन कर लेते हैं, फेसबुक की पोस्ट पर यकीन कर लेते हैं। अभी जैसे आपने कह दिया तो आप पे भी ट्रस्ट करने वाले कुछ एक दो इनोसेंट लोग होंगे जो सुन के मान ले, क्या पता है ये लड़की बोल रही बंटी है, पाकिस्तान जी, मैंने मैंने की सवाल पत्रकार बोल किया रही है है, सिर्फ, इतनी अच्छी ना सुंदर ना लड़की ना, बोल मेरे रही है, सवाल, तो मेरी बात मोदी जी ने सुने, जरूर कुछ किया होगा। देखिए सुनिए मेरी बात मैंने सुनिए, ये सवाल ही इसलिए किया है कि बहुत से लोग, बहुत से पाकिस्तानी मुझसे अरे ये तो क्वेश्चन करते हैं, ये तो मैंने चलो सिर्फ ठीक है, आप सवाल नहीं, किया है। आप मोदी जी के लिए नहीं बोलते, लेकिन आपके पाकिस्तान में 99% लोग यही बोलते हैं मोदी जी के बारे में, चाहे हाँ पाकिस्तान हाँ की हाँ आवाम हो, मेरे, चाहे पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया हो, तो मैं यही आई बता रहा हूँ अग्री, कि जैसे एग्री ना, यूट्यूबर नहीं बोलते क्योंकि यूट्यूबरों को भैया व्यूवरशिप चाहिए, इंडिया से डॉलर चाहिए डॉलर, तो वही वो इंडिया की मोदी जी की बुराई क्यों करेंगे और नहीं तो क्या। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अवाम भी ना, इंडिया कितनी बेवकूफ है ना, पाकिस्तान कितनी बेवकूफ है, उनको पता है कि सही क्या चल रहा है गलत क्या चल रहा है। वो तो अच्छा है, मैं थोड़ा बहुत मुझे, तो, थोड़ी बहुत तो मिक्सिंग चलती है। अच्छा मुझे एक बार देखना जरा, मिर्च मसाला लगा के ऑडियंस भड़का रहे हैं। नहीं 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 गाइस, आप लोगों ने बंटी जी की बातों में बिल्कुल यकीन नहीं करना है, ये कुछ भी बोल। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और महविश नास और बंटी कुमार की ये गुफ्तगू, ये इंटरेस्टिंग बातें आपको काफी मजेदार लगी होंगी, और आपने इन दोनों की कॉन्वर्सेशन को काफी एंजॉय किया होगा, जहां पे इन दोनों ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि बंटी कुमार ने पाकिस्तान का भी भांडा फोड़ दिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी मजेदार लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।